कम हुई तो अब तीसरी लहर की आहट बहुत तेजी से सुनाई देने लगी है। देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के 50% मामले मिले हैं। 35 राज्यों के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसे सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि देश में अब तक 21,109 सैंपल में गंभीर वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें अल्फा 3,970 और बीटा 149, गामा 1 और डेल्टा और कापा वेरिएंट 16,238 सैंपल में मिला है। महामारी की दूसरी लहर से पहले फरवरी और मार्च में सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट मिल रहा था, लेकिन मई और जून में 90% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। देश में अब तक कोरोना के 120 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे गंभीर 8 वेरिएंट्स हैं जो सबसे ज्यादा भारतीय कोरोना संक्रमितों में मिल रहे हैं। हालांकि 14 वेरिएंट के बारे में अभी वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, इनमें से एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है। बीते साल दिसंबर 2020 में देश के एक जिले में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिला था, जिसके बाद मार्च 2021 तक डेल्टा 54 जिलों तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये 174 जिलों तक पहुंच गया है। सबसे पहले यह महाराष्ट्र में मिला था। वहीं डेल्टा प्लस की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, पंजाब में 2, गुजरात में 2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में भी 1-1 मरीज मिल चुका है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से मौत के बाद तीसरी लहर की आहट पर पाबंदी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 80 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। कोरोना से होने वाली ये देश में दूसरी मौत और महाराष्ट्र में पहली है। राज्य में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित कुल 21 मरीज हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी 1 मरीज की जान जा चुकी है। उज्जैन में 2 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मिले थे, जिनमें से एक महिला मरीज की मौत हो गई थी। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने पाबंदी बढ़ाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रैपिड एंटीजन या अन्य जाँच के बजाय RT-PCR जाँच के आधार पर पाबंदियों को घटाया बढ़ाया जाएगा। डेल्टा के मामले मिलने पर अब पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।